देखिए बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्थी भी। और भाई दूसरी तीसरी बात है, प्योर देसी घी में बनी है आज पूरी सब्जी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट और क्या बोलते हैं लजीज, एकदम से लाजवाब। आ जाइए आप भी खा लीजिए और एक बार जरूर ट्राई करिए। राम राम। राम राम जी, कैसे हो आप सब? भैया हम बहुत बढ़िया हैं और आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बनाएंगे मटर और मखाने की सब्जी। देखो आप भी, ये यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है मखाने और एक कटोरी ले लिया है ताज़ा मटर। यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई, गर्म होने के लिए रख दी है गैस पर। और इसमें डालेंगे अभी एक चम्मच देसी घी, गरम होने देते हैं घी को। तो देखिए घी हमारा गरम हो गया है और इसमें डालेंगे हम मखाने और मखाने को फ्राई कर लेते हैं। मखाने को हम फ्राई कर लेंगे, सीधा सब्जी में नहीं डालना है फ्राई करे बगैर, क्योंकि सब्जी में जाएगा तो ये डायरेक्ट उबल जाएगा तो सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा मखाने का सब्जी में, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो देखिए मखाना हमारा बुन गया है, देखिए बुरबुरा सा हो गया है टूट के, देखिए। तो देखिए मखाना इधर मेरा बुन गया था, यानी कि फ्राई हो गया था बिल्कुल क्रिस्पी सा। और अभी लूँगी मैं यहाँ पर दो टमाटर, दो प्याज और थोड़ा सा अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा लहसुन, इसको अभी मोटा मोटा काट लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक और टमाटर, प्याज और दो तीन हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लिया है, लहसुन को ऐसे ही रखा है। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई को फिर रख दिया है गर्म होने के लिए। और फिर से डालेंगे एक छोटी चम्मच देसी घी। ये पूरी रेसिपी मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको तेल में भी बना सकते हो। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले, यानी कि एक से दो तेज़पत्ता, दो टुकड़े दालचीनी, 8-10 ली हैं काली मिर्च और 4-5 लौंग ली हैं, 3-4 ली हैं हरी इलायची। अब घी हो गया है गर्म और इसमें जाएंगे खड़े मसाले। अब इसमें साथ में डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा मोटा मोटा जो मैंने प्याज का काटा था, इसको बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए प्याज अब भून गया है थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें जाएंगे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो इसमें डालेंगे अभी एक चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने एक कटोरी काजू, तो ये काजू हम इसको ऐड कर देंगे। मटर और मखाने की सब्जी में काजू की अपनी अलग ही एक क्या बोलते हैं टेस्ट आएगा। इसमें हम कोई भी मावा या क्रीम या मलाई वगैरह नहीं डालेंगे, काजू डालने से सब्जी टूटी हो जाएगी। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके ढक के पकाएंगे। और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए इनके साथ, टमाटर और प्याज के साथ। तो देखते हैं कैसा हो गया हमारा मसाला पक के। देखिए आधे से ज़्यादा मसाला पक गया है। गैस को कर देते हैं बंद। तो देखिए कुछ मसाला मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है और
कुछ मसाला मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक मसाला हमारा ठंडा होएगा तब तक हम इसमें डाल देंगे हरी ताज़ा मटर, जो कटोरी मटर मीठी मैंने उस पर मिक्स कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे यानी कि कम गैस करके थोड़ी सी 4-5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, क्योंकि मटर पकने में टाइम लगता है। तो देखिए जो मसाला निकाला था आधा कढ़ाई में छोड़ दिया था उसको मैंने पीस लिया है, यानी कि ग्रेवी बना दी है पीस के। अब देखते हैं, देखिए मटर भी पक के आधे से ज़्यादा पक गई है, तैयार हो गई है। अब इसमें जाएगी है पिसा हुआ मसाला जो ग्रेवी बनाई थी पीस के, ये डाल दूँगी इसमें। ग्रेवी डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा अपने जार को धो के पानी। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला यानी कि हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची, 2 छोटे चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, अब इन सब मसाले को मिक्स कर देती हूँ। और साथ में जाएगा इसमें 1 कटोरी और पानी। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि मसाले में पहले भी डाला था मैंने नमक। अब इन सब मसालों को 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है ग्रेवी हमारी। अब इससे जाएगा मखाना जो हमने फ्राई करके रखा था। देखिए बहुत ही प्यारा और मतलब टेस्टी सा कलर आया है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा पतला रखा था ताकि मखाने में भी अच्छे से पानी ऑब्जर्व हो जाए, ये इसको सोख लेगा और अंदर तक ग्रेवी चली जाएगी। अब इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी मखाना और मटर की साई सब्जी, यानी कि वही देखो शादियों में बनाते हैं और हमने करी आज घर पर ही तैयार। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में डालेंगे धनिया पत्ता।